सर, बाजार के अंदर में कल हमने तेजी देखी थी, आज उस तेजी को फिसलते हुए देखा है। कोई अपॉर्चुनिटी अभी निकल रही है या हम सिर्फ एक ये छोटा सा डेड कैट बाउंस जैसा मान करके और वापस हम उसी ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, हम कहीं वहीं उसी में या एटलीस्ट एक रेंज के अंदर में फंसे रहेंगे, वैसे ही होने वाला है कुछ? सर, अगर इस हफ्ते की बात करें तो मुझे एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है मार्केट, बट फॉर द नेक्स्ट वीक वापस से मेरे को लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर आएगा। उसमें निफ्टी मुझे लगता है कि 15,000 का स्तर आसानी से तोड़ देगा। वहां से हमारे को लग रहा है कि थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे जरूर देखना चाहिए। अब की बार जो मतलब नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें हमारा थोड़ा सा बुलिश टोन लग रहा है हमारे को मार्केट में, और लग रहा है कि थोड़ा बहुत वहां से कवरिंग आ सकता है। किन लेवल से बाइंग शुरू करेंगे सर? सर, 14,800 से 14,700 हमारे को लग रहा है ये एक अच्छे लेवल्स है जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लेवल्स होंगे जहां पे बाइंग शुरू करेंगे। इंडेक्स में ही बाइंग करेंगे या स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे? हाँ सर, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहेंगे हम लोग, वहाँ पे आईटी के अंदर इनिशिएट लेना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे को लगता है कि वहाँ पे थोड़े बहुत आईटीज जो है वैल्यू फॉर बाइंग वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और हमको लगता है कि वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होगा, तो उधर थोड़ा सा रुझान। ठीक है, आईटी सेक्टर पे रुझान रहेगा और वहां पे रिकवरी जो कि आ भी रही है, और अगर वापस से थोड़ा सा नीचे के लेवल से फिर से मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और वहां पे एक सर, इसको ये साइकिल रिप्ले कुछ वाला साइक्लिकल हम माने कि हाँ ये वो है, नई थीम का प्ले होगा एक, आप आईटी की बारी है। सर, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि सबसे पहले जो मार्केट में मंदी आई थी वो दो सेक्टर में आया था, एक तो फार्मा में आया था, एक आईटी में आया था। मार्केट बाद में करेक्ट हुआ था, बट ये दो सेक्टर पहले ही टूटना चालू हो गए थे, तो हमारे को लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स भी हाई पे खड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा बहुत और क्रूड के भी प्राइसेस ऊपर है, मेंटेन है, तो हमारे को लगता है कि कुछ एक चीज अगर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव चीज है ज्यादा है आईटी के लिए, तो यहाँ से बाउंसेस भी देखने को मिलेंगे। अगर अपन नासडेक वगैरह को देखें तो उनके आईटी सेक्टर और हमारे आईटी सेक्टर में थोड़ा डिफरेंस है। वो लोग फ्रंट एंड आईटी कंपनीज ज्यादा है और हम लोग बैकबोन टाइप कंपनीज है, हम लोग उनके एक तरीके से बैकबोन है, तो हमारे ऊपर इतना असर नहीं पड़ता जितना उनके ऊपर असर पड़ता है इन चीजों का। तो मेरे को लगता है कि वहां से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, ऊपर से एक अच्छा करेक्शन भी मिल रहा है, तो जरूर डेफिनेटली वहां पे बाइंग करें। तो जो बाइंग करेंगे सर वो वाला बताएंगे, आज अभी क्या बाई कर सकते हैं वो बता सकते हैं मेरे को? सर अभी तो किसी में भी बाइंग नहीं कर रहे, बट अगर कोई है तो 32,500 का जो पुट है नेक्स्ट वीक का वो बाई कर सकते हैं। 32,500 का पुट बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का, ये कह रहे हैं? हाँ सर, मतलब मंथ एंड का जो है ये अभी 330 के आसपास आ रहा है, इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा आपको, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 240 का। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं और पुट बाय करने की बात कर रहे हैं। जो स्क्रीन पे प्राइसेस हैं वो स्पॉट के चल रहे हैं, तो कहीं उससे कंफ्यूज ना करें। ठीक है,